एक ऐसा इंसान जो हमसे बहुत प्यार करता था, एक ऐसा इंसान जो हमारे बिना एक पल नहीं रह पाता था, आज के डेट में वो इंसान सिर्फ हमसे नफरत करने लगा। आपका पार्टनर, बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं वीडियोस में बताता रहता हूँ कि अगर जो इंसान आपसे प्यार करता है, या तो आपसे दूर होता है, या तो उसका नेचर ही ऐसा है, इसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो, इसके साथ रह लो, या उसका नेचर ऐसा है, या फिर उस इंसान को हम चेंज कर देते। एक अच्छा प्यार करने वाला इंसान भी हमें छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है, या फिर प्यार करने वाला इंसान भी हमें छोड़ के चला जाता है। ये क्यों होता है, या फिर ये सारी चीजें ठीक करने के पीछे का रीजन, या फिर ये सारी चीजें ठीक कैसे की जा सकती है, इसके बारे में स्टूडियो में हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हरीश, आप देख रहे हैं टिप्स विद हरीश। चलिए शुरू करते हैं स्टूडियो को। आप सभी बता दो, मुझसे पर्सनली वन ऑन वन कॉल पर बात करें, मुझे व्हाट्सअप पर या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं कॉल बुक करने के लिए। ज्यादा जरूरत हो तो जाकर आप कॉल बुक करा सकते हैं, दरअसल आप वीडियो से अपना काम चला सकते हैं। ज्यादा नीड है तो जाकर आप कॉल बुक करना, दरअसल वीडियो सब अपना काम चला देगा। गाइस, मैं आप सभी को बता दूं कि बहुत सारे लोग परेशान हैं कि यार इतना प्यार करने वाला इंसान हमसे एकदम से नफरत करने लग गया। बहुत ज्यादा प्यार करता था सामने वाला इंसान और एकदम से नफरत करने लगा, उसके दिल में हमारे लिए इतनी नफरत पैदा हो गई। या फिर बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं सर उसके ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया, फिर हमारे रिलेशनशिप को किसी की नजर लग गई सर, ऐसे बहुत सारे लोगों का मेरे को कहना होता है। लेकिन मैं उन लोगों को बता दूं, ये सब पागलपंती मूर्खता, ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई नजर वजर नहीं लगती जहां तक मुझे लगता है। सिंपल जी चीजें, आपका पार्टनर आपको हेट करने लग गया, उसको आपसे नफरत हो गई, इरिटेट हो गया, तो इरिटेटिंग करने वाला नेचर आपने कर दिया। एक सिंपल सी चीज है, किसी इंसान को इरिटेट हम करते। मेरे पास कॉल आते लोगों के, मेरे पास लोग बोलते कि सर जो मेरा पार्टनर है वो मेरे से बात नहीं कर रहा। मैंने बोला ठीक है, अगर बात नहीं कर रहा तो भाई आप उसको डिस्टर्ब मत करो, उसको पूछ लो क्यों नहीं बात करो। उसके बाद अगर वो मना कर रहा स्टिल तो आप उसको कॉल मैसेजेस मत करो। तो बहुत सारे बोलते ठीक है सर, लेकिन आप में से 90% लोग मेरी वीडियोस देखेंगे और उन चीजों को फॉलो करेंगे, लेकिन 2-4 दिन उसके बाद क्या करते हैं कि नहीं यार मेरे सर आने जाएगा, मैं तो उसको कॉल कर ही दूंगा, मैसेज कर ही दूंगा। इन सारी चीजों से सामने वाला इंसान इरिटेट हो जाता है। और आप बोलोगे सर इसका और नफरत का क्या लेना देना, या देखो प्यार करने वाला इंसान एकदम से आपसे नफरत करने लग गया। आप समझ रहे हो नफरत क्यों कर रहा है आपसे? नफरत इसीलिए की जा रही बिकॉज ऑफ कि हमने उसको बहुत ज्यादा परेशान कर दिया। हम लगते यार हम तो प्यार करते, यार हम तो बहुत ज्यादा केयर करते उसकी, इसमें नफरत कैसे? अरे केयर नहीं, ये कोई प्यार नहीं, ये सामने वाले इंसान को हम परेशान कर रहे हैं, इरिटेट कर रहा है उस इंसान को। वो इंसान इरिटेट हो रहा है हमारे नेचर से, हम जिस तरीके से बर्ताव कर रहे हो इंसान हमसे इरिटेट हो रहा है, हमसे परेशान हो रहा है, और कुछ नहीं। और आपके साथ सिंपल चीज यही हो रही है, वो इंसान जो है आपका जो सामने वाला पार्टनर है वो आपसे इरिटेट हो रहा है, आप उसको इरिटेट कर रहे हो। चीजों को समझने वाली बात है, उसके पीछे भागोगे, उसको फोर्स करोगे, उसके पीछे जाओगे, सामने वाला इंसान इरिटेट ही होगा ना आपसे। यार आपको चीजों को समझना होगा, थोड़ा खुद के ऊपर वर्क करना होगा, खुद के पीछे भागना होगा, ठीक है ना? मतलब आप दुनिया के पीछे भाग रहे हो, खुद के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो। थोड़ा खुद के ऊपर ध्यान दीजिए, खुद के ऊपर वर्क करिए, इज बेटर फॉर यू एंड योर फ्यूचर, अदरवाइज योर लाइफ विल स्पॉइल फ्रॉम योर साइड। थोड़ा सा चीजों को समझिए, चीजें कैसे वर्क करती है, चीजें कैसी होती है, या फिर चीजों का कैसे वर्क होता है। कोई बंदा आपसे हेट करने लग गया, हम क्या करते हैं, हेट इसीलिए कर रहा है, हमें ये चीज समझ नहीं आती, हम उसके पीछे भागते हैं। भाई आप जितना उसको मैसेज कॉल करेंगे नहीं, हमें ऐसा क्या हो गया, मुझसे पूछते क्यों 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 ऐसा कर रहा, क्यों ये कर रहा है, ये सारी चीज हम बहुत सारी चीजें उसको पूछने की कोशिश करते, उतना वो इंसान और ज्यादा भागता होगा, हमें गलती गालियां देगा, ब्लॉक कर देगा, या फिर छोड़ने की धमकी देगा, फिर छोड़ देगा, हमसे बात भी नहीं करेगा, और हम तड़प रहे थे, हम फुसकाते, हम रोते कोने में घुस घुस के, अरे यार ऐसा क्यों करा रहे। यार ये चीजें समझने वाली है, हम उस टाइम पे थोड़ा सा पेशेंसली, माइंडली, दिमाग से नहीं सोचे, थोड़ा शांत होके सोचो कि सामने वाला इंसान अगर ऐसे बर्ताव कर रहा है, या तो इंसान सच में वैसा है, वो करेक्टरलेस, या फिर उसका नेचर ही ऐसा है कि इसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो, छोड़ने वाला है। लेकिन 90% लोगों के किस्से होते हैं कि सामने वाला इंसान अच्छा होता है, स्टिल हम उसको, उसके प्यार को हम मतलब कन्वर्ट कर देते हेट में, उसकी तरफ से हमें हेट मिलने लग जाता है बिकॉज ऑफ कि हमारा नेचर, हम सामने वाले इंसान को इतना ज्यादा प्यार बरसाते, इतनी ज्यादा केयरिंग बरसाते, जिसकी वजह से उसके प्यार को हम हेट में कन्वर्ट कर देते हैं। ये सारी चीजें आपको समझने आएगी, ये कैसे होती है। देखो एक साइकोलॉजी की चीजें बताता हूँ मैं, कोई भी चीज लिमिट में अच्छी लगती है, अगर आप कोई भी चीज लिमिट से बाहर लेके जाते हो तो वो चीज फिर उसके बाद ना वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, मतलब वो चीजें ना फिर मत्थे के ऊपर से जाती है, और फिर वो ज्यादा सर दर्द लगने लगता है, या फिर बोझ लगने लग जाता है, ठीक है ना। सिंपल चीज, अगर मान लो मैं आपको एक सिंपल, अगर मान लो आपको कोई चीज पसंद है, खाने की, पीने की, घूमने की, कोई जगह अगर पसंद है, कोई जगह आप घूमने जा रहे हो जहाँ आपको बहुत पसंद है, अगर आप घूमने जा रहे हो, एक बार गए, दो बार गए, तीन बार गए, चार बार गए, अगर आपको डेली वहीं घूमने लेके जाए, चलो भाई घूमो एक ही जगह, आपको कम से कम 15-20-25 बार 50 बार उसी जगह घूमने ले जाए, आप इरिटेट हो गए या नहीं? यार नॉर्मल ह्यूमन नेचर है, कोई भी चीज से इंसान तुरंत इरिटेट हो जाता है, जो चीज ज्यादा है, या फिर वो चीजें डेली मिलने लग जाती है, या फिर वो चीजें जो हमें लिमिट में चाहिए, या फिर एक चीज होती है, देखो घूमना, अगर आप डेली घूमोगे ना तो आप उन चीजों से इरिटेट हो जाओगे, लेकिन अगर आप महीने में एक बार घूमोगे तो आपको चीज अच्छी लगेगी, वैसी चीज होती है। आप बोलोगे फिर प्यार का महीने में एक ही बार देना है, ऐसा नहीं,
मैं ये बोल रहा हूँ कि कोई भी चीज लिमिट में, लिमिट में मतलब सामने वाला इंसान आपसे अगर बात कर रहा है तो आप भी उससे बात करो। सामने वाला इंसान अगर आपको बोल रहा है कि यार अभी बिजी हो, कॉल करे जा रहे हो उस इंसान को, तो फिर सामने वाला इंसान ऑब्वियसली इरिटेट ही होगा आपसे, और सामने वाला इंसान आपसे फिर प्यार काहे को करेगा, उसको इरिटेट, उसका नेचर उस तरीके, उसको जिस तरीके से हम फोर्स कर रहे हैं उसके पीछे भाग रहे, इसके उसके पीछे का रीजन हम है। हम सामने वाले इंसान को बहुत ज्यादा परेशान करते, उसको हम उंगली करते हैं कि यार सुन लेना, यार कॉल उठा लेना। सामने वाला इंसान बोल रहा है यार मैं बिजी हूँ, बाद में करता हूँ। हमने उसने बाद में बोला तो हमने अगर मान लो उसे बाद में नहीं किया तो हम तुरंत कंप्लेन करने लग जाते हैं, नहीं किया नहीं किया, ऐसा वैसे वो सारी चीजें, तो मेरे से प्यार नहीं करता, ये नहीं करता। सामने वाला इंसान को लगता है यार इतना पागल है या फिर इतना नल्ला इंसान है कि इसको ये मेरा ही वेट करता है या फिर मेरे का ही, मेरे कॉल का ही वेट करता है। इसमें एक और चीज आती है, फियर ऑफ लॉस्ट। इससे क्या होता है, फियर ऑफ लॉस्ट सामने वाले इंसान की नजर में आपकी कुछ नहीं होती, फिर मतलब उसकी नजर में एक फियर ऑफ लॉस्ट होता है हर इंसान की नजर में कि मेरा बंदा मेरी बंदी चली जाएगी, इधर बात के लिए ये डर हट जाता है, बिल्कुल नहीं रहता, क्योंकि उसको पता है कि ये मेरे ही मैसेज कॉल का वेट करता है। जैसे ही मैं फ्री हूँ ये तुरंत कॉल करता है, तुरंत मैसेज करता है, इसका मतलब ये है इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ये मेरा ही है, मेरी ही है। ये चीज आप बोलोगे यार अच्छा लगता है कोई भी इंसान को, हाँ अच्छा तो लगता है, लेकिन इन चीजों से हम ग्रांटेड भी बन जाते हैं कभी कभी लोगों की नजर में, कभी कभी क्या मैक्सिमम टाइम। इसलिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि फिर आपको दूसरे लोगों से बात करना है, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप अपने टाइम को बिजी रखो, आप इतने नल्ले मत बैठो कि सामने वाला इंसान फ्री होते ही उसको कॉल मैसेज कर। इससे क्या होगा, फिर आप बोलोगे सर ये नफरत की चीज और इसका क्या कनेक्शन है, इसका बहुत बड़ा कनेक्शन है। सामने वाला इंसान हमसे नफरत करने लग जाता है क्योंकि हम ना तुरंत अवेलेबल रहते हैं, उसका मैसेज आने से पहले तुरंत हम रिप्लाई, उसके कॉल आते तुरंत उठाना, उससे आधे आधे एक एक घंटे बात कर रहा, सामने वाला इंसान बोर हो रहा है फिर बातें कर। सामने वाला इंसान इन चीजों से परेशान होता है, इरिटेट होता है, यार कितना इरिटेटिंग बंदा है यार, बहुत बोरिंग बंदा है यार, फिर वो उसको ना तुमसे दूर दूर भागता है। फिर तुम क्या कर, जैसे वो दूर जा, फिर हम पहले तो क्या करते हैं, वीडियो सर्च करते हैं कि पार्टनर दूर जाने लगा है क्या करे, ये सर्च करते हैं। फिर जब हम सर्च करते हैं वीडियो देखते हैं, वीडियो में चीजें बताई जाती है कि भाई दूर क्यों जा रहा है, तो दूर जा रहा है तो आपको ये चीजें करनी, स्पेस बनाना है, उस इंसान को थोड़ा फ्री छोड़ना है। हम क्या करते हैं, जी नहीं हम फ्री नहीं छोड़ेंगे, हम स्पेस नहीं देंगे, हम क्या करेंगे, हम कुत्तों की तरह उसके पीछे भागेंगे। सामने वाले इंसान जैसे मैंने बनाया ना, मैंने वीडियोज में बताया ना कि दूर जाने वाले इंसान जब दूर जाता है, कब जाता है, क्यों जाता है, ये चीज मैं उस वीडियो में बता चुका हूँ और इस वीडियो में भी बता चुका हूँ कि दूर क्यों जाता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं वीडियोस में चीजें रिपीट करता हूँ, करना जरूरी है, बहुत सारे लोग नहीं समझते, जिनको लग रहा है रिपीटेड चीजें वो लोग वीडियो मत देखो, जिनको लग रहा है आप समझ गए पहले वीडियो से तो फिर आप दोबारा ये वीडियो मत देखिए। रिपीट इसलिए की जाती है कि चीजें सेम होती है लेकिन वो चीजें तो डिफरेंट तरीके से होती है, इसीलिए हम चीजों को समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन उसका आंसर सेम ही होता है। क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जाता है लेकिन आंसर एक ही होता है अलग अलग क्वेश्चन का। मतलब मान लो अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया है कि ये ऐसा, फिर वही क्वेश्चन को घुमा के इधर से पूछा, वही क्वेश्चन बीच में से घुमा के वो पूछा, आंसर उसका यही एक, तो वैसी चीज होती है। सामने वाला इंसान जो है उस इंसान की तरफ से आपको हेट किया जाता है, हम क्या करते, जैसे मैंने बताया दूर जाने वाला वीडियो, जब पार्टनर दूर जा रहा है तो हम क्या करते हैं उस टाइम पे उसके पीछे पड़ जाते हैं पकड़ने के लिए, पकड़ ले पकड़ ले पकड़ ले। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं आपको जोर से कहीं ना कहीं से पकड़ने की कोशिश करूँ, मेरा नखून वखुन आपको लग जाएंगे, आप इरिटेट हो जाओगे। सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, समझना सही से क्या बता रहा हूँ, नखून वखुन लग जाओगे आप, परेशान हो जाओगे, आपको लग जाएगी तो मैं पकड़ने की कोशिश करूंगा भागो, मैं पकड़ने की कोशिश करूंगा भागोगे। तो वैसे ही एक चीज होती है दिमाग से, जब हम दिमाग से किसी इंसान को पकड़ने की कोशिश करते प्यार 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 प्यार, क्यों दूर जा रहा है, क्यों दूर जा रहा है, पकड़ने की, यार आ जाना प्लीज, कॉल करना प्लीज, मैसेज करना, फिर हम उस इंसान को इरिटेट करते। इरिटेट के बाद और एक ऊपर वाली हद होती है, सामने वाले इंसान को परेशान करते, उसके बाद और एक ऊपर वाली हद होती है, सामने वाले इंसान को हम अपने अपने लिए उसके उसके मन में हम हेट भर देते, मतलब सामने वाले इंसान के नजर में हम नफरत भर देते अपने लिए। सामने वाले इंसान नफरत करने लग जाता है कि यार इसने मेरे को कितना परेशान किया, पकड़ने की कोशिश की, किसी को नहीं परे मतलब मान लो अगर आपके हाथ पे नखून मार के आपको खींचू खींचू, आपको बहुत नखून मारू खींचू आपको, तो अच्छा नहीं लगेगा। वैसी चीज हो जाती है एज पर ह्यूमन साइकोलॉजी, जब हम किसी को पकड़ने की कोशिश करते खींचते आ जा, फिर वो प्यार करने वाला इंसान जो नफरत हो जाते उसके दिल में आपके लिए, फिर वो आपसे नफरत करता, पहले तो आपसे दूर जाता है। अगर आप मैंने वीडियोज बताया जब दूर जाता तब, अगर आप उस टाइम पे वो वीडियो फॉलो करेंगे, अगर आप उसको उस टाइम पे स्पेस देते जो मैंने वीडियो में चीजें बताया सारी चीजें फॉलो कर ले, तो डेफिनेटली सामने उस टाइम पे चीजें ठीक हो सकती है वापस। अगर आप साइकोलॉजी की सबसे नॉर्मल रैंडमली रियल में चले, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, टिप्स के लिए नहीं, फॉलो करने ऐसा नहीं, तो सामने वाले इंसान सारी चीजें फैले चले। लेकिन अगर आप वो चीजें छोड़ दे, नहीं ये तो दूर जा रहा है यार, मैं इससे अगर दूर रहूंगी, मैं इसे कॉल मैसेज नहीं करूंगी, तो ये ज्यादा दूरी बढ़ जाएगी, नहीं, अगर इंसान दूर जा रहा है हम क्या करते पकड़ते, अगर इंसान दूर जा रहा है हमें क्या करना है, यहीं पे खड़े रहना, सामने इंसान जा रहा है हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, फिर जब ये देखेगा इधर कोई नहीं, फिर वापस धीरे 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 धीरे, ये कहाँ पे होता है, जहाँ प्यार है वहां की बात नहीं करो, जो इंसान चेंज होता रहता है लड़कियों लड़कों को चेंज करने वाला उनके लिए नहीं ये चीज। लेकिन फिर हेटिंग के बारे में ये चीज बता रहा हूँ कि हेट कब आता है, जब ये इंसान अगर दूर जाता है और हम क्या करते हैं, जो मैंने चीजें बताई यहाँ जाना नहीं,
हम क्या करते हैं, पड़ जाते हैं पीछे, फिर उसको लगता है ये भाग रहा है, पकड़ने की कोशिश करते, सामने इंसान छोड़ने की कोशिश पकड़ते हैं, फिर सामने छूट जाता है, फिर वो भागता है, फिर हम उसको पकड़ते हैं, आ जा प्लीज प्यार कर ले प्यार कर ले, फिर सामने वाला इंसान हेट करने लग जाता, नफरत करने लग जाता, बस यार मेरे को छोड़ दे यार, फिर वो ब्लॉक करता है, मेरे को रहना ही नहीं है तेरे साथ, प्लीज मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मेरे को छोड़, बहुत सारी चीजें करता है सामने वाला इंसान, ब्लॉक तक कर देता है सर, इतना नफरत कैसे करने लग गया सामने वाला इंसान, क्यों नफरत करने लग गया सामने वाला इंसान, इसके पीछे का रीजन ये है, पूरी तरह से समझने वाली चीज कि इतना नफरत कैसे करने लगे, इतना प्यार करने वाला इंसान जो इतना प्यार करता आज वो इतना नफरत कर रहा है, इसके पीछे का रीजन ये है कि आपको चीजें जो मैंने डिटेल में समझाई कि सामने वाले इंसान के माइंड पे कैसे वो चीजें पड़ती है, हमें लगता है हम तो प्यार ही दे रहे हैं, हम तो उसको प्यार देना चाहते, पकड़ के गले लगाना चाहते, नहीं भाई ये चीजें सामने वाले इंसान को नहीं चाहिए, आप उस टाइम पे उसको स्पेस दो, जो चीजें मैंने वीडियोज में बताई बहुत सारी वीडियोज है वो चीजों की जरूरत है, आप उसको हेट क्यों फैला देते उसके दिल में, कि उसके दिल में नफरत इसीलिए हो जाती है क्योंकि वो इंसान आपसे थोड़ा सा स्पेस चाहता है, फिर वो इंसान या फिर वो चीजें जो हो रही है उन चीजों से थोड़ा सा दूर जाना चाहता है, लेकिन नहीं हमें तो वही चीज, फिर इसलिए वो नफरत करने लग जाता है। आई होप समझे, तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय।